सहारनपुर। पूर्व MLC हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति अपनी पत्नी और परिचित के नाम कराने पर निलंबित चल रहे इंस्पेक्टर नरेश कुमार प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें कि SSP रोहित सिंह सजवान के आदेश पर कोतवाली सदर बाजार में उनके खिलाफ मिर्जापुर कोतवाली पर भारी रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गत वर्ष निरीक्षक नरेश कुमार मिर्जापुर में कोतवाली प्रभारी थे। आरोप है कि तैनाती के दौरान उनके संपर्क में हाजी इकबाल के परिचित इरशाद रावत निवासी फैजाबाद एवं महबूब निवासी बादशाही बाग आए थे। उनके माध्यम से उन्होंने सरवण एवं रोशनलाल की 49 बीघा जमीन को जबरन अपनी पत्नी राजनारी एवं परिचित विजय कुमार के नाम करा लिया था। यह आरोप लगने के बाद SSP ने उन्हें तत्काल निलंबित करते हुए जांच SP देहात सागर जैन को सौंप दी थी। उस वक्त विक्रेता रोशन लाल ने आरोप लगाया कि दोनों जमीनों के बेनामे की धनराशि 15 लाख रुपये उनके खाते में डालने के बाद जबरन उससे किसी अन्य खाते में ट्रांसफ़र करा ली गई थी। SP देहात द्वारा की गई जाँच में बैंक खातों में धनराशि आदान प्रदान के आरोप सही पाए गए हैं तथा जांच में सामने आया कि यह संपत्ति पूर्व MLC हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति है। जांच में दोषी पाए जाने पर SSP के आदेश पर निलंबित निरीक्षक नरेश कुमार के खिलाफ थाना सदर बाजार में भ्रष्टाचार निवारण प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में के तहत केस दर्ज किया गया है। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। संज्ञान में आया था कि जो तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर द्वारा अपने परिजनों के जो नाम जो है संपत्ति करा ली थी, बैनामा करा लिया था और बिना इसमें सक्षम अधिकारी की कोई परमिशन लिए आचरण नियमावली का उल्लंघन भी किया था। इसके बाद इनकी प्रारंभिक जाँच एवं विभागीय जांच भी की गई जिसके बाद इनका दोष निर्धारण किया गया। ये वर्तमान में भी निलंबित चल रहे हैं। इसके जांच के आधार पर 17 अक्टूबर को थाना सदर बाजार में इनके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई हेतु मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना जो है CO City Second द्वारा की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई। किन लोगों ने सर शिकायत की थी सर, क्या सर? जी ये न्यूज़पेपर के माध्यम से संज्ञान में आया था जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें विस्तृत जांच कराई गई थी। प्रारंभिक जांच एवं विभागीय जांच में दोष का निर्धारण किए जाने के उपरांत इसमें थाना सदर बाजार में 17 अक्टूबर को मुकदमा पंजीकृत किया गया।